जर्जर सड़क से लोग हैं परेशान, राहगीरों को हो रही है आवागमन में परेशानी। बरसात शुरू होते ही गड्ढेनुमा सड़क पर दिखने लगा पानी। बताते चले कि बायसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत श्रीपुर मलाटोली पंचायत के पूर्णियाम और NH-31 सड़क से गांगर पंचायत के तेलंगा तक जाने वाली सड़क बरसात शुरू होते ही सड़क की स्थिति और भी बिगड़ गई है। जर्जर सड़क और उसमें जगह जगह गड्ढा हो जाने से लोगों को आवागमन में पहले से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर एवं गड्ढेनुमा सड़क के कारण लोगों की परेशानी बारिश के कारण और बढ़ गई है। प्रशासनिक अपेक्षा और राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी के कारण जर्जर सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कई गांव को जोड़ने वाली इस सड़क से प्रतिदिन हजारों लोग सफर करते हैं। दिन भर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, फिर भी किसी को इसकी सुध लेने की फुर्सत नहीं है। सड़क जर्जर होने के कारण दो पहियों एवं छोटे वाहन चालकों को तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके चलते इस मार्ग में अक्सर हादसे भी होते रहते हैं। बरसात शुरू होते ही सड़क की हालत और भी जर्जर हो गई है। जगह जगह टूटी सड़क और कई जगह तो पूरी तरह कीचड़ में हो गई है, जिससे होकर निकलना राहगीरों को मुश्किल हो जाता है। अब तो हालात ये है कि भाड़े का वाहन भी इस मार्ग से जाने को कतरा रहे हैं। वहीं इस मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने बताया कि अभी पहली बरसात में ही इस सड़क की हालत ऐसी है कि बरसात के सीजन में और भी इस सड़क की हालत जर्जर हो जाती है। इस सड़क पर प्रतिदिन चलना बहुत ही कठिन हो जाता है, जबकि इस सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों लोग पैदल मोटरसाइकिल आदि से गुजरते रहते हैं। यहाँ तक कि ये सड़क दूसरे कई पंचायतों को जैसे ताराबाड़ी आदि को भी जोड़ती है, और जिससे नदी के उस पार के लोग भी इस सड़क से आना जाना करते हैं। लेकिन इस सड़क की स्थिति ऐसी होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहाँ सरकार और जनप्रतिनिधि बायसी में सड़कों का जाल बिछाने की बात कर रहे हैं, वहीं ये जर्जर सड़क अपनी टूटी किस्मत पर आंसू बहा रही है। ये रोड कहाँ से कहाँ तक निकलती है और इस सीजन का जो पहली बारिश है और इस तरह का हालात है, कौन जिम्मेदार है इनका? इनका जिम्मेदार स्थानीय नेता लोग हैं। स्थानीय नेता जैसे मुखिया प्रतिनिधि हुआ, विधायक जी हुए हैं, यही लोग हुए जो है हमारे पूर्णिया मोड़ NH-31 से जो मालोपरा तेलंगा तक ऐसे जर्जर सड़क है जो जनता को समस्या झेलना पड़ रहा है। पब्लिक नेता लोग आते हैं, वोट के समय में वोट मांगते हैं, आश्वासन देते हैं रोड अच्छा बनेंगे, और रोड जो है फिर जैसे का तैसे। कहाँ से कहाँ तक निकलती है ये रोड? ये रोड है आपको NH-31 से तेलंगा मालोपरा समथिंग 5 किलोमीटर। इस सीजन का पहली बारिश है, पहली बारिश में इस तरह की हालात है। हाँ जी, ऐसी स्थिति है जो अब तो बारिश का ही जो है समय आ रहे हैं, लगभग ऐसे ही रहेंगे। अब नेता लोग हैं जो कब से कब तक आश्वासन देते रहेंगे जनता को। अगर कोई इमरजेंसी हो, यहाँ से जाना हो डॉक्टर के यहाँ या फिर किसी कार्य के लिए, तो हाँ, कितने लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हाँ, अधिक से अधिक समस्या होते हैं जो रात के 12 बजे 1 बजे जो जाके है जो गाड़ी खोजना पड़ता है, गाड़ी रिजर्व। अगर ये रोड बन जाए तो हाँ, कितने लोगों को आसान होगी जाने में इधर? हाँ, काफी दूर दूर तक। हाँ, समथिंग 10,000 की आबादी को जो है बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी रोड बच जाने के बाद। कौन सी जगह है ये? कुर्बान चौक, गांगर पंचायत कुर्बान चौक, अमीरगंज। आपका नाम? मेरा नाम हुआ अजय कुमार साह। आपके पीछे जो रोड देख रहे हैं, ये पहली बारिश में इस तरह की हालत हो रही है, क्या सालों भर ऐसी स्थिति बनी रहती है? बेसी ये रोड ऐसे ही रहता है क्या कीचड़ हमेशा? ऐसे ही रहता है। आप लोग को कितनी कठिनाइयां करना पड़ रहा है इसमें? दिक्कत खूब खूब। अगर कहीं जाना हो डॉक्टर के यहाँ या कहीं पे, तो आप लोग किस चीज का सहारा लेते हैं यहाँ से? टोटो। लेकिन समय पे पहुंच पाती है टोटो? रोड खराब होने के कारण अगर रोड बन जाएगी तो कितनी आसान होगी लोगों को? बहुत आसान। कौन सी जगह? कुर्बान चौक, अमीरगंज। ये पुण्या मोड़ से आ रहा है। ये रोड कहाँ से कहाँ तक निकलती है? ये रोड पुण्या मोड़ से लेके तेलंगा घाट तक। प्रतिदिन इस रोड पे कितने लोग चलते हैं? ये रोड में कम से कम नहीं हो चलता है तो 5,000 आदमी चलता ही है। लेकिन आज जो है पहली बारिश है इस सीजन का। इस सीजन और का पहली बारिश में इतना खतरनाक रास्ता कहीं नहीं है अभी का समय में। आप लोग गाड़ी लाना जाना कर रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, इसमें कितने लोग चलते होंगे पर डे? पर डे कम से कम 1,000-3,000 तक चलते हैं। कहाँ से इधर आगे कहाँ से आते हैं लोग? इधर आगे नदी के उस पार, नदी का उस पार से भी आते हैं। नदी का उस पार से कम से कम डेली का आदमी 500 आदमी आता जाता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इस तरह की रोड का हालात है, नहीं बन रहा है, यही तो सरकार है और क्या।
ठीक है, कौन सी जगह है? ये गांगर कोस है। आपका नाम क्या है? गुलाम इजदानी नाम है।